सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ द ऑल न्यू 2020 BS6 कंप्लाइंट हीरो डेस्टिनी 125 का। तो स्कूटर आप लोगों के सामने खड़ा है, अच्छे से एक बार इसको अपन देख लेते हैं क्या क्या नए नए फीचर्स कंपनी ने इंक्लूड करे हैं, वो सभी चीज़ें जानेंगे और उसके बाद में लेके चलेंगे इसको एक अच्छी सी ड्राइव पे, किसकी जो राइड क्वालिटी है वो कितनी इंप्रूव हुई है और क्या क्या चीज़ें ये अच्छे से टैकल कर लेती है सिटी में, हाईवे पे, टॉप स्पीड्स पे भी मे बी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं, ये की जो है यहाँ पर कुछ टाइप की हीरो डेस्टिनी की आती है। की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, मेरे को एक्चुअली ये इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा लगा। चलते हैं अब गाड़ी की बात करते हैं। तो 6 कलर के अंदर गाड़ी आप लोगों को अवेलेबल है, 6 कलर्स में, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट से देख लेते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को जो है ये हीरो का एम्बलम मिल जाएगा, पूरा ये ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिलेगा। यहाँ पर आपको हैलोजन लैंप ही मिल रहा है, LED होता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। बॉडी कलर आपको ORVMs मिल रहे हैं। साथ ही नीचे अगर आते हैं तो ये एयर इंटेक थोड़ा सा दिया हुआ है, या माइट पॉसिबल मुझे ऐसा लग रहा है ये हॉर्न का साउंड अच्छे से है, दैट्स वाई यहाँ पर गेप दिए हुए हैं। यहाँ एक LED आपको मिलती है, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और ये क्रोम का ट्रीटमेंट नीचे दिया हुआ है। ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं तो FI की परफॉर्मेंस की जो है बैजिंग मिल जाती है, IBS टेक्नोलॉजी से लेस है। ये आपको मेटल पार्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और सेफ्टी नॉर्म्स को जो है रेगुलेशन के तहत यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में जो है ये व्हील्स दिए हुए हैं, अलॉय व्हील्स, बट अगेन टायर साइज़ की बात करें तो 90-110 सेक्शन का ही टायर मिलता है। IBS की जो बैजिंग थी उसका वर्क ये है कि जब आप रियर वाला ब्रेक प्रेस करेंगे तो 60% पीछे का ब्रेक लगेगा, 40% आगे का ब्रेक लगेगा, जिससे आप कम डिस्टेंस पे ही गाड़ी को अच्छी तरीके से बैलेंस मैनर में जो है रोक पाएंगे और ये काफ़ी अच्छी बात है। और IBS, CBS इन सभी नाम से अपन इनको जानते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी आगे की साइड में, आगे से अपन ने अच्छे से स्कूटर को देखा। अब चलते हैं और साइड लुक ले रहे हैं कि साइड से जो है वो दिखने में कैसा है। बात आ जाती है सबसे पहले फुट पैक्स की, तो फुट पैक्स एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप अच्छे बड़े पैर भी हैं अगर किसी के, तो वो भी अच्छे से रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा लगेज वगैरह आपको कैरी करना है तो आप लोगों को यहाँ पर एक हुक मिल जाता है, नेक्स्ट एक हुक यहाँ मिलता है। और सबसे अच्छी बात है ये एडजस्टेबल है यार, ये देखो कितना अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे हीरो ने ध्यान रखा है, तो दैट इज़ वेरी नोट करने वाली बात। तो ये सीन जो है यहाँ पर है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में से डेस्टिनी 125 की बैजिंग दी हुई है, 125 को रेड इंसर्ट्स में दिया हुआ है, क्रोम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट यहाँ पर, तो प्रीमियमनेस जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ती है। सभी एंगल से आप देखते हैं तो गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है। नेक्स्ट अगेन ये जो है आपको पार्ट जो मिलता है ये फाइबर का पार्ट दिया हुआ है, ये आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। ये सभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिए एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर वापस आपको शोरूम पे जाके सभी चीज़ें देखनी नहीं पड़े, आपका फाइनल हो जाए कि बस ये बाइक अपने को स्कूटर बाइक है जो भी है वो लेना है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो बहुत अच्छा है, अपन लास्ट में सुनेंगे। फुट पैक्स की पोजीशन जो है वो अच्छी है और साथ ही ये बड़े भी हैं और ये अंदर चल जाते हैं पूरी तरीके से, थोड़े से टाइट हैं बिकॉज ये एकदम न्यू हैं और शायद फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहे होंगे। और इनके ऊपर ये जो डिज़ाइन दी हुई है जिसकी वजह से फुट जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ ग्रिपिंग बन जाती है और ये शिफ्ट भी नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। पीछे आ गए हैं अपन और यहाँ पर आपको बाहर ही जो है फ्यूल लीड मिल जाती है, उसी के नीचे ये आपको बहुत ही बड़े और अच्छे दिखने वाले टेल लैंप इंडिकेटर्स के साथ में। इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर रहा नहीं हो रहा है, एक ही छोटी सी डिज़ाइन यहाँ पर दी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है। हीरो का स्टिकर यहाँ पर, यहाँ पर नंबर प्लेट आ जाएगी गाड़ी की। रियर टायर प्रोफाइल 90-110 इंच का ही टायर है, फ्रंट 12 का हो जाता ना तो मज़ा आ जाता बिकॉज इसके राइवल सारे जो हैं ऑफर कर रहे हैं। बट बात वही आ जाती है प्राइसिंग की, तो ये गाड़ी जो है आपको 70,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में पड़ जाएगी, ये जो मेरे सामने खड़ी है। ऑन रोड जो है आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं अपने नियरेस्ट डीलर पर, रतलाम मध्य प्रदेश में आपको बेस्ट डील चाहिए तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉल करके पता कर सकते हैं। अब चलते हैं और थोड़े बहुत फीचर्स जान लेते हैं। ये साइड फुट पैक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ओके। तो अब मैं आपको ये की के फीचर्स बताता हूँ थोड़े से। की लगा ली, ये शटर यहाँ पर नहीं दी हुई, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, अगर शटर होती तो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट होता, ठीक है। इसको आपने ऑन करा तो ये इग्निशन ऑन हो जाएगा, ऑफ़ कर दिया। नीचे अगर आपको ये करना है तो आपने ये सीट ओपन कर ली। बूट स्पेस जो है वो डिसेंट है, हाफ फेस हेलमेट यहाँ पर आ सकता है। इसके अंदर USB चार्जिंग पॉइंट जो है वो दी हुई है, ये आप देख सकते हैं USB चार्जिंग पॉइंट, एंड ये एक लैंप भी दिया हुआ है बूट लैंप, ये क्लोज हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी लैंप ऐसे, ठीक है। ये सीन यहाँ पर है, सीट को कर देते हैं बंद। ड्यूल शेड में आपको ये सीट मिलती है, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो।
बहुत ही अच्छी कुशनिंग की सीट मिलती है। फ्यूल लीड कैसे ओपन करते हैं वो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, दैट्स व्हाई मैंने रोका हुआ था। इसको दबाया, ये एक हॉर्न मतलब एक अलार्म बजता है, छोटा सा बीप आती है कि ये ओपन हो गई है। और अगर ये ओपन रहेगा और आपने गाड़ी चालू कर दी तो क्या होगा वो एक बार देखते हैं। ये मतलब गाड़ी चालू ही नहीं करनी पड़ी, सिर्फ की ऑन करी है मैंने। तो जब तक ये ऑन है मतलब ओपन रहेगा तो ये बजता रहेगा और ये बंद। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि अगर वो ओपन रह जाता है, कभी कोई भूल जाता है, तो कोई पेट्रोल चोरी नहीं कर पाएगा एंड आपका पेट्रोल उड़ेगा भी नहीं और उसमें फायर के भी चांसेस नहीं रहेंगे और आप गाड़ी को ऑन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स कंपनी ने यहाँ पर दिए हुए हैं। हैंडल बार की बात करें तो ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, सभी चीज़ें प्रॉपर है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों चला सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस रखा गया है। पास स्विच, इंडिकेटर्स, हॉर्न कैसा है एक बार बता देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से जो है वेलकम करता है ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें छोटी सी एक MID दी हुई है, जिसमें ट्रिप, ऑडोमीटर ये सभी चीज़ें मिल जाती है, रियल टाइम माइलेज वगैरह कुछ मिलता तो वो और अच्छा लगता। तो ट्रिप सिंगल है इसमें, AB का कोई ऑप्शन नहीं है, बस रिसेट करने का है, तो उसको आप दबा के रखेंगे तो रिसेट हो जाएगा, ये फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये माल फंक्शन लाइट दी हुई है, ये साइड स्टैंड वार्निंग लाइट है, एक बार मैं इसको, ये ऑन हो गई एंड ये इंडिकेटर की लाइट है, ठीक है। तो ये सीन है। अब इधर I3S का बटन है, अगर आप गाड़ी कहीं चला के जा रहे हैं और अपने बीच में एकदम आइडियल कंडीशन पे रोक दी तो ये बंद हो जाएगा, उसको मैं डेमो में बताऊंगा आपको करके। अभी ये ऑन कर लेता हूँ मैं गाड़ी को। अब ऑन करी है तो आगे से कैसे लग रही है पहले ये देख लो। ये है इसकी हेडलैम्प हेलोजन में, और ये यहाँ पर इसकी ये LED DRLs हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये LED DRLs हैं। और चलते हैं एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं अच्छे से। तो काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट है, ज़्यादा लाउड नहीं है, नेचर फ्रेंडली है और बेसी इतना अच्छा है, मतलब इसका बेस बहुत अच्छा आता है एग्जॉस्ट का, तो सुनने में मज़ा आता है जब भी आप एक्सेलरेट करते हैं तो मज़ा आता है। इंजन के लास्ट में स्पेक्स की अभी बात कर लेता हूँ। 9 BHP की पावर है, 10.4 Nm ऑफ टॉर्क के साथ में, 123cc का एयर कूल्ड इंजन है और BS6 कंप्लाइंट है और कई सारे सेंसर्स के साथ में आता है। क्या क्या सेंसर्स हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो सेंसर्स मिलते हैं उसमें सबसे पहले आपको हब हिल क्लाइंब सेंसर मिल जाता है, वीआ मैनिफोल्ड एयर प्रेशर जो सेंसर रहता है कि अगर आप कहीं क्लाइंब वाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा टॉर्क वहाँ पर मिल जाए। साथ ही एयर इनटेक टेम्परेचर प्रेशर है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर्स हैं, बैंक एंगल अगर आप ऐसे नीचे मतलब साइड में झुक जाती है गाड़ी वगैरह तो बंद हो जाएगी। साइड स्टैंड का आपको मैंने बताया है, वो वाला भी इसके अंदर जो है सेंसर दिया हुआ है। टॉर्क ऑन डिमांड करके एक हीरो बोलता है कि वो सेंसर इसमें मिल जाता है, I3S का मैंने आपको बताया ही है। क्रैंक पोजीशन सेंसर मिलता है और साथ ही साथ बैटर पिकअप के लिए भी एक सेंसर मिल जाता है। और कोल्ड वेदर मतलब ऑल वेदर में ईजी स्टार्ट आपको मिलता है कि कहीं पर भी आप गाड़ी ठंडी पड़ी है, गीली पड़ी है, हॉट वेदर में आप सिंगल टच पे जो है इस गाड़ी को स्टार्ट कर पाओगे, ये एक अलग से सेंसर दिया है। अभी तक मेरे को सिर्फ इतने ही याद आ रहे हैं, अगर और याद आएंगे तो मैं शायद यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो अब चलते हैं फटाफट से इसको ड्राइव करके देखते हैं कि इसकी जो है ड्राइविंग कैसी है, इसकी राइट पोजीशन वगैरह सब चीज़ें कैसी है। सो गाइस चलते हैं और चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी I3S टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका एक बार डेमो दे दूँ और फिर चलते हैं इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे सबसे पहले, फिर ब्रेक टेस्ट वगैरह दूसरी चीज़ें करते रहेंगे। तो ये देखो लाइट बंद हो गई है और ब्लिंक कर रही है, बंद हो गई है मतलब स्कूटर, ये रेस दी हल्की सी मैंने, ओके। और मतलब ये एक तरह से सेल्फ लेती है, मतलब ये सेल्फ सिस्टम का काम करता है एक्सेलरेटर, और जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाता है, बस आपको हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ता है, दैट्स ऑल। अभी देख लो वापस आइडियल कर रहा है और ये बंद हो गया, ठीक है। तो अब वापस से ब्लिंक कर रही है I3S टेक्नोलॉजी। इसको आप बंद भी कर सकते हो कि अगर आपको बार बार बंद नहीं हो, आप कहीं जैसे बीच में ट्रैफिक में चल रहे हो बम्पर टू बम्पर, तो अगर ये बीच में बंद हो जाता है तो उस को आप स्विच से बंद भी कर सकते हैं। तो अब चालू है एंड ये वी गो। तो जो मैंने चीज़ें टेस्ट करी है अभी ऑलरेडी मैं इसको चला रहा था स्कूटर को, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है, 0 to 80 ये स्कूटर बहुत फास्ट करता है। 0 to 60 की जो है अपन बात करते हैं ऑलमोस्ट सभी स्कूटर्स में, बट इसमें 0 to 80 की बात करूँगा। अभी आप लोग देख सकते हैं 80 जो है वो स्पीड मैंने क्रॉस कर दी है, काफ़ी स्मूथ रिफाइनमेंट जो है फील होती है इस इंजन के साथ में। फ्रंट जो मतलब मेन एक जो सबसे बड़ा मेरे को इसके अंदर ड्रॉबैक लगा ना, वो फ्रंट टायर का, कि अगर वो 12 inches का दे दिया जाता ना तो मज़ा आ जाता, नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है।
आराम से मतलब आप इसको ले सकते हैं और इससे अच्छी खासी स्पीड पे आप जो है क्रूज़ कर सकते हैं। अभी देख सकते हो 85 की स्पीड, 90 की स्पीड तक जो है मैं इसको लेके आ गया हूँ और कंटिन्यूसली जो है ये पुलिंग चल रही है इसकी, कंटिन्यूसली जो है इसके अंदर पावर कहीं ना कहीं बाकी पीछे से आ रहा है और स्कूटर जो है कंटिन्यूसली पुल कर पा रहा है। तो अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 टच करने ही वाला हूँ, देखता हूँ कितनी देर में 100 टच हो जाता है। ओके, तो ऑलमोस्ट 100 की स्पीड जो है वो टच हो गई है। तो ये 125cc में अच्छा स्कूटर है, 100 की स्पीड जो है नॉर्मली आप टच कर पा रहे हो। मैंने एक्टिवा 125 एंटॉर्क और एक्सेस 125 तो मेरे पास में ही है स्पेशल एडिशन, तो आप लोगों ने सभी देखी होगी उनकी वीडियोज़ भी, तो कितना स्ट्रगल करने लग जाते हैं वो 85 के बाद में। और नो डाउट बहुत ही स्मूथली जो है ये स्कूटर यहाँ तक आया, 90 के बाद में थोड़ा सा स्ट्रगल करा बट 90 तक तो बहुत ही अच्छा था और 0 टू 80 तो बहुत ही फास्ट कर लेता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अभी ही मैं इसको चलाता हूँ 80 के आसपास के, अगर आप हाईवे पे कभी आपको रोज जाने का काम पड़ता है तो हाईवे पे 80 की स्पीड पे कैसा स्टेबल रहता है नहीं रहता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 80 की स्पीड पे चल रहा है, फिर भी मेरे पास में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 80 से ऊपर भी इसको चाहूँ तो जो है स्कूटर को चला सकता हूँ। और अभी भी 80 से ऊपर ही कांटा जो है बार बार जा रहा है, मैं अगर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये स्कूटर तो है वो कैपेबल है बट मैं स्पीड जो है वो स्लो करता हूँ। तो इसमें आपको स्पीड का ज़्यादा जो है पता नहीं चलता है। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, रियर सस्पेंशन खासकर थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, फ्रंट वाला थोड़ा सा स्टीफर साइड है, जिससे आपको हैंडलिंग जो है वो बैलेंस्ड मिलती है चाहे आप हाईवे पर चलाएँ चाहे आप सिटी में चलाएँ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। शायद मेरे आगे पल्सर जा रही है नई वाली, तो अरे रोक लो इसको, रोक लो, दे दो यार हमको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, 150 का टेस्ट करना अभी भी बच रहा है थोड़ा सा। ओके बाय बाय, तो वो सीन है जैसा भी है। और अब टर्न देते हैं एक बार और इसके ब्रेक टेस्ट वगैरह जो दूसरी चीज़ें करके देखते हैं। हैंडल में जो वेट है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को हाईवे पे, अगर जिसको चलाना है ना तो उनके लिए स्कूटर काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ये 12 इंचेस का टायर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर चलते हो ना तो वो छोटा टायर होने की वजह से आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, दैट्स ऑल, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इन सच। तो अभी यहाँ से एक बार पीछे से सब निकल जाए, ओके फिर चलते हैं। चलो तो एक बार अब इस स्कूटर का जो है ब्रेक टेस्ट करके देख लेते हैं कि ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो फ्रंट एंड रियर दोनों ही ब्रेक में लगा के एक बार इसको बता देता हूँ आपको कि ब्रेक टेस्ट जो है वो किस स्टेप से कर रहा हूँ मैं और कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। ओके, तो देखा आपने 60 से 0 बहुत ही फास्ट आ गया, बट हाँ टायर जो है वो स्कीड करते हुए आए हैं, रियर वाला टायर थोड़ा सा ज़्यादा ही स्कीड हुआ है। अब रियर वाले ब्रेक से करा मैंने तब भी थोड़ा सा स्कीड हुआ था रियर वाला टायर, फ्रंट वाला टायर जो है उसमें भी ब्रेकिंग अच्छी आ जाती है बिकॉज ऑफ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम IBS टेक्नोलॉजी। ओके, फ्रंट वाले से भी मैंने करके देखा, अगर आपको इमरजेंसी केसेस में फ्रंट ब्रेक यूज़ करना पड़े तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्कूटर कंट्रोल हो जाता है, वेट अच्छा होने के कारण जो है डिसबैलेंस नहीं होता है। तो ये स्कूटर 125cc के अकॉर्डिंगली अगर जो प्राइस में ये दे रही है हीरो सारे फीचर्स वगैरह या जो इसकी परफॉर्मेंस मिल रही है फीचर्स वगैरह तो क्या ये नॉर्मल बेसिक है, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। वाइब्रेशंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके अंदर के वाइब्रेशंस, मतलब आप 80 की स्पीड पे भी चला रहे हो आपको वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे, चाहे फुट पैक्स ले लो हैंडल बार ले लो। तो वाइब्रेशंस के मामले में मैं इसको फर्स्ट नंबर पर रखना चाहूँगा, सारे स्कूटर्स मैंने टेस्ट करे हुए हैं कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आ जाते हैं इसमें, आई डोंट नो व्हाई वाइब्रेशन, मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि हीरो डेस्टिनी में वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। मैंने पुरानी वाली भी करी है तो उसका भी रिव्यू एक बार आप जाके जरूर से देख लेना। नेक्स्ट इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ जो आप लोग फील कर रहे हैं जब इसको टेस्ट ड्राइव लो कि आप जैसे एक्सेलरेट करते हो तो साउंड बहुत ही प्यारा आता है, जैसे सपोज आपने 70-80 तक एक्सेलरेट करा फिर 80 की स्पीड पर जाके आप कॉन्स्टेंट उस स्पीड पर मैनेज करते हैं, मतलब एक जैसे चलने लग जाते हैं तो RPM सेटल हो जाते हैं, यानी कि साउंड आना बंद हो जाता है, लोअर RPM पे ये जो है सेम स्पीड पे चलने लग जाता है। आई डोंट नो कैसे ये चीज़ पॉसिबल कर पाए, किस सेंसर की वजह से वो कर रहे हैं, ऑल द वे इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, बट ऐसा रहता है कि बहुत कम RPM पे आपको हाई स्पीड पे जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। फिर अगर आप ब्रेक मारोगे रेस दोगे तो आपको साउंड आएगा, एकदम से एक्सेलरेशन जो है आपको पुल मिलेगा अंदर से और फिर आप एकदम से RPM कम हो जाएंगे, साउंड कम हो जाएगा और कंटिन्यूसली उसी स्पीड पे आप चलते रहेंगे। अदरवाइज दूसरी गाड़ियों में क्या होता है कि आपके RPM ज़्यादा रहते हैं वो चीज़ आपको फील होती है और वहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं, तो इसमें RPM पता नहीं कैसे कम हो रहे हैं क्या हो रहा है पर वाइब्रेशन जो है वो नहीं आने दे रहा इंजन, तो रिफाइनमेंट लेवल टॉप नॉच लेवल की है। तो ये सीन है दी ऑल न्यू 2020 हीरो डेस्टिनी का हाईवे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। अब चलते हैं इसको लेके सिटी में, कि सिटी में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और पिनियन के साथ में मैं टेस्ट करने वाला हूँ, तो चलते हैं अब सिटी में मिलते हैं। सो गाइज अभी मैं हूँ सिटी के अंदर एंड यहाँ पर इकोनॉमिक स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ, पिलियन मेरे साथ में है, मेरा वेट जो है वो 60-65 के आसपास है, पिलियन का वेट 80-85 के आसपास में है एंड इसके अंदर जो है वो एक टॉर्क वाला जो है पावर ऑन डिमांड जो है वाला सेंसर जो है उससे इसके अंदर पावर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो आपको लगेगा नहीं फील कि ज़्यादा आपने लोड कैरी करा हुआ या पिलियन वगैरह आपके साथ में बैठे हुए हैं। बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कहीं पर आप जैसे सिटी में बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर टर्न लेना करना है तो हैंडल का
जो थोड़ा सा वेट है वो गर्ल्स के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा, बट ऑल द वे जब आप इसको चलाने लग जाएंगे तो इसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि दूसरे स्कूटर शायद ही आपको पसंद आए। तो ये एक बैलेंस्ड स्कूटर है हाईवे परफॉर्मेंस के लिए और सिटी परफॉर्मेंस के लिए जिस प्राइस में आ रहा है। माइलेज की अगर बात करूँ तो सिटी में अगर जैसे मैं चलाता हूँ हार्ड एंड रफ एंड टफ मतलब ऐसे एकदम एक्सेलरेट करना वगैरह तो उस टाइप में आपको 35-40 की एमपीएल का माइलेज मिलेगा। आप नॉर्मल कंडीशन में चलाओगे जैसे आप इकोनॉमी स्पीड वगैरह में चला रहे हो तो 40 की एमपीएल 42 के एमपीएल के आसपास मिल जाएगा। हाईवे पे आप चलाओगे तो 50 की एमपीएल भी इस स्कूटर से निकाल सकते हो, जैसे कि आरपीएम नीचे लेके आ जाता है या साउंड वगैरह कम हो जाता है, वाइब्रेशन नहीं आते हैं, एक ही स्पीड पर बहुत ईजिली जो है मैनेज कर लेता है ये सब अपनी अपनी चीज़ें। तो इन सभी कारण रीज़न की वजह से जो है इससे माइलेज अच्छा आप निकाल सकते हैं। i3s टेक्नोलॉजी भी अगेन दी हुई है। सिटी में जो रियर वाला ब्रेक है उससे ही काम चला सकते हैं। मिरर्स की अगर बात करें तो वो और अच्छे हो सकते थे बट उनकी पोजीशन ऐसी है कि हल्का सा आपने देख रहे होंगे अभी कि जो राइट वाला मिरर है वो मैंने हल्का सा नीचे वाला करा हुआ है, लेफ्ट वाला जो मिरर है वो थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है जिसकी वजह से मेरे को एक्यूरेट प्रॉपर दोनों साइड का एंगल जो है वो बन के व्यूज़ आ जाए। तो आपको अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा और उसमें मिरर्स में जो रबड़ दिख रहे हैं ना वो मेरे को बहुत ओल्ड स्कूल लगते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं आया, तो वो चीज़ कंपनी को चेक करना चाहिए। एंड जो भी है ये चीज़ें हैं। सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी है, फ्रंट में मैंने जो आपको बताया एक टायर का मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम हैजंट सच महसूस नहीं हुई। सस्पेंशन से रिलेटेड ब्रेक वगैरह जो है वो आपके सामने मैंने टेस्ट करे हैं, फुटपैक एरिया अच्छा है, सीट का कंफर्ट जो है वो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है और पीछे जो पिलियन बैठे हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि लिए मैंने पिलियन भी जो है इसको राइड करा है। और अगर बात करें इसके ऊपर बेस्ट डील्स वगैरह की तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, बेस्ट डील लीजिए हीरो की कोई सी भी बाइक हो स्कूटर हो जिस पर आपको लेना है। तो मेरी हाँ है, अगर आपको एक बैलेंस्ड स्कूटर चाहिए, एक बजट स्कूटर चाहिए जिसमें आपको सिटी में भी आराम से राइड का जो है आप मजा ले पाए और हाईवे पे आपको परफॉर्मेंस जो है अच्छे मिल जाए, 125 सीसी का पावर मिल जाए, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो डेफिनेटली आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं। मेरा थम्स अप है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें। मैं कास बाइक स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाँ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ।